हाई एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जो अभी गर्मी आने वाला है। आई थिंक गर्मी आ ही चुका है और मैं यहाँ पंखे वंखे बंद करके वीडियो बना रही हूँ तो मेरा तो हालत ही खराब हो जाता है। तो इतना मेहनत करती हूँ यार, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो आज हम बात करने वाले हैं जो जैसे कि समर्स आते हैं ना, तो हमारे स्किन के जो प्रॉब्लम होते हैं वो बढ़ते जाते हैं। मेरे भी हो चुके थे, तो मैंने कुछ नुस्खा यूज करा है। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि वो नुस्खा कौन सा है और कौन कौन से टिप्स आप पल्स के प्रॉब्लम, तो गाइस इसे दूर कैसे करें और आप घर पे कैसे किस तरीके से इसको दूर कर सकते हैं। तो चलिए इस आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, पहला जो टिप है वो है एलोवेरा ऑयल। एलोवेरा ऑयल को आप अपने माथे पे लगा लो, जिससे आपके माथे में जो दाने वगैरह होंगे ना वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे। तो ये पहला टिप, क्योंकि एलोवेरा स्किन को ठंडा और कूल करने में हेल्प करता है, इस वजह से आपके दाने जो है कम। सेकंड टिप्स है, जो ट्रीट्री ऑयल होता है ना वो हमारे सुंदरता को निखारने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इस ट्रीट्री ऑयल की कुछ बूंदे आप वाटर में मिला सकते हैं और उसको मिला करके आप उसे रुई के हेल्प से अपने माथे पर लगा लें और कुछ टाइम तक रखें, 15 से 20 मिनट, फिर आप नॉर्मल वाटर से धो लें। और ये जो ट्रीट्री ऑयल होता है ना वो हमारे फेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बेनिफिट होता है, तो आप इसे जरूर ये नुस्खा यूज। थर्ड टिप है ना वो है बादाम और बेसन का जो पेस्ट बना ले आप दोनों का, बादाम और बेसन का, और उस पेस्ट को अपने फेस पे अप्लाई कर ले और 10 से 15 मिनट तक रखे। इससे क्या होगा, जो बेसन होता है ना आपके स्किन को ठंडा करता है और कूल करता है, तो इससे आपके जो दाने होंगे ना वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। तो ये था थर्ड। जो चौथा टिप है ना वो मेरा जेल को और टिट्री ऑयल को दोनों को मिक्स कर लेना है। एलोवेरा जेल, आपको एलोवेरा ऑयल नहीं लेना है, एलोवेरा जेल और ट्रिट्री ऑयल को दोनों को मिक्स कर लेना है और 15 से 20 मिनट तक अपने फेस पे अप्लाई करके, नाइट में, आपको डे में नहीं करना है ये, नाइट में अप्लाई करके आपके स्किन को छोड़ देना है। उसके बाद आपको 15-20 मिनट बाद आपको नॉर्मल वाटर से आपके फेस को वॉश कर लेना। तो ये चार टिप्स कैसे लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहा कि नहीं, मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। एंड इसी तरह के और आपको टिप्स चाहिए तो कमेंट में बताइए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टिप्स लाती रहूंगी। गाइस, ये था मेरा छोटा सा वीडियो आपकी स्किन के लिए। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी हेल्दी।